मार्केट में दो तरह के लॉसेस होते हैं, एक्चुअल लॉस और एक होता है मिस्ड अपॉर्चुनिटी लॉस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आइए जानते हैं। एक्चुअल लॉस वो लॉस होता है जब आप कोई ट्रेड लेते हैं और वो ट्रेड आपके अगेंस्ट जाता है, वहाँ पर जो आप लॉस बुक करते हैं उसको हम कहेंगे एक्चुअल लॉस। दूसरा लॉस वो लॉस होता है जब आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको कोई ट्रेड मिलता है लेकिन फॉर एक्स वाई जेड रीज़न आप उस ट्रेड को इंटेंशनली मिस करते हैं। ध्यान दीजिए, आपने इंटेंशनली मिस किया, आपने अपनी स्ट्रैटेजी के रूल्स फॉलो नहीं किए और वो ट्रेड एक्सपेक्टेशन से अच्छा परफॉर्म करता है, तो वहाँ पर जो आप प्रॉफिट कमा सकते थे, जो प्रॉफिट आपने नहीं कमाया उसको हम कहेंगे लॉस, उसको कहते हैं मिस्ड अपॉर्चुनिटी लॉस। लेकिन इन दोनों लॉसेस में डिफरेंस है। मान लीजिए आपको 10,000 का लॉस होता है लेकिन आपने 20,000 का प्रॉफिट मिस किया, लेकिन जो पेन आपको 10,000 के लॉस में होगा वो पेन आपको 20,000 का प्रॉफिट जो आपने मिस किया है उसमें नहीं होगा। तो एज अ ट्रेडर आपको इवॉल्व करना है, आपको अपनी साइकोलॉजी पे काम करना है, आपको दोनों लॉसेस को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है ताकि आप अपनी स्ट्रैटेजी के रूल्स को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करें। सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है, आप भी ऐसी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं और उसके बाद आपको ये भी पता नहीं है कि आपने कुछ लॉस किया। सो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करो।